बन रही है, बन रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने अभी अभी जस्ट एक वीडियो का एंड किया है और अभी बच रहे होंगे शाम को 5 का अप्रोक्स टाइम हो रहा होगा। और मैं ना मतलब अभी भी एक वीडियो का एंड मैंने किया, सारे काम हो चुके हैं और अभी हमारे घर कोई आया हुआ है तो मैंने सोचा मैं आज आप लोग को भी उनको दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल सरप्राइज कर दिया उन्होंने आ करके। तो मेरे देवर जी आए हैं, मौसी के बेटे हैं तो वो आए हुए हैं। तो अभी हम लोग उन्हीं से बातें कर रहे थे तो खाना वगैरह तो वो खा के ही आए हैं मतलब, और चाय नाश्ता करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने और मम्मी ना आद्या को लिए हुए हैं। और ये देखिए मैंने थ्रेडिंग करवा ली है तो मेरा फेस एकदम बदला बदला सा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, वरना ना एकदम क्रूर सिंह जैसा चेहरा लगता था। मतलब थ्रेडिंग बढ़ जाती तो कैसा लगता है, मतलब अजीब सा एकदम फेस हो जाता है। तो अभी ठीक लग रहा है मुझे भी, मतलब अच्छा लग रहा है, वरना तो मतलब मुझे खुद को ही अपना चेहरा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। और अक्षत हेलो कर लो। हेलो। और आद्या बाहर है, दादी के पास है। तो चलिए अभी मैं भी आपको अपने देवर जी से मिलाती हूँ और मैं उनके साथ ना एक इंटरेस्टिंग सा चैलेंज भी आज जरूर करूंगी क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। वो ना चैलेंज करने में एकदम एक्सपर्ट हैं, उनके साथ कोई भी चैलेंज करो तो इतना मजा आता है कि मतलब पूछो ना। तो ये देखिए ये मेरे सबसे फेवरेट देवर हैं। वैसे मेरे सारे देवर बहुत अच्छे हैं लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। और ये और आप मेरी सबसे फेवरेट भाभी ये देखा तो ये हमारे बिक्कू भैया हैं और ये पता है हमारी सबसे जो बड़ी वाली मौसी हैं वो भी कुंडा में ही रहती हैं, मतलब कुंडा के पास गांव है तो वहीं रहती हैं। तो उनके बेटे हैं ये। तो ये मतलब शादी के टाइम जो मैं सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हुई वो इन्हीं के साथ हुई बाकी सभी देवर भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और देवरानी भी बहुत अच्छी है और उसकी भी ना बेटी इतनी बड़ी सी, इतनी छुटंकी सी है, एकदम आद्या जैसी ही है। तो वो भी बहुत क्यूट है, मतलब कभी कभी स्टेटस वगैरह में देखते रहते हैं हम लोग। और हाँ आज भैया ने एकदम सरप्राइज कर दिया, मतलब इनके आने का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इन्हें भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मम्मी अकेली रहती हैं, मतलब अकेली थी अभी जब तक मैं मायके में थी, तो ये इस वजह से नहीं आए कि मौसी को सब कुछ बनाना पड़ेगा मेरे अकेले के लिए, क्योंकि मम्मी मतलब डायबिटीज़ है उनको तो वो मतलब उनका खाना बहुत सिंपल सा होता है। और भैया को ना आलू वाली सब्जी बहुत पसंद है, एकदम टमाटर वाली। अगर मुझे पता होता कि भाभी जी हैं तो मैं भाभी के हाथ का ही खाना खाता है। ये देखिए, और पता है जब ये कानपुर में रहते थे ना, मतलब पढ़ाई करते थे, क्या किया भैया आपने? हाँ, तो PhD जब करते थे, दीदी भी करती थी, तो ये लोग रात पे आया करते थे, ट्रेन से 10:30 के अप्रोक्स टाइम रहा करता था। तो मुझे पहले से पता रहता तो मैं इनके लिए बढ़िया चटपटे वाली आलू वाली सब्जी और पूरा खाना एकदम, तो ये एकदम खुश हो जाते थे तो आज मुझे भी नहीं पता था और इन्हें भी नहीं पता था, तो मतलब ये मेरे लिए भी सरप्राइज था और इनके लिए भी था। तो जब मैंने इनको गेट पे देखा तो बोले आज मिस कर दिया मैंने, पता होता कि आप हैं तो मैं यहीं आता और आलू की सब्जी बनाती हूं, तो मैं खाता। देवर की पसंद तो भाभी को ही पता होती है। हाँ, तो मतलब ये मिस हो गए आज मुझसे। तो आज इन्होंने मौसी के यहाँ खाना खा लिया है लेकिन अब भैया जान गए हैं, अब जब आएंगे तो अब नेक्स्ट टाइम यहीं आएंगे पहले। और अभी ये जा रहे हैं, थोड़ी देर में निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इनको भी आपसे मिला दूं। और वैसे ये बहुत बिजी रहते हैं, बहुत कम आते हैं, मतलब अब तो बिल्कुल भी इनको टाइम नहीं रहता जब से शादी हो गई ना। तो मत पूछिए शादी के बाद ना सारे आदमियों लोगों का हाल बेहाल हो जाता है ना तो चलिए कोई नहीं, अभी भैया को मैं चाय बना देती हूँ, थोड़ी देर भैया रुकेंगे। चाय मैंने चढ़ा दी है, पक रही है और मम्मी ना आद्या को खिला रही है, तो मैं और भैया बढ़िया यहाँ पे थोड़ी गपशप कर रहे हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, चाय पिला देती हूँ भैया को, तो उसके बाद। देखिए चाय बन करके आ गई है, मम्मी की ये कॉफी रखी हुई है तो अभी वो नहीं पियेंगी, अभी आद्या को लिए हुए हैं। और आज मैं और भैया ना चाय पीने का चैलेंज करने जा रहे हैं क्योंकि ये ना बहुत गर्म चाय पीते हैं, तो मैंने एक्सेप्ट किया इनका चैलेंज कि मैं भी आज आपके बराबर पी के दिखाऊंगी, लेकिन देखते हैं सक्सेस होती हूँ कि नहीं। तो ये देखिए चाय तो बराबर ही है हम लोगों की, ग्लास में इतनी इतनी सी ही है, लेकिन अब पीता कौन पहले है ये देखना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज होने वाला है क्योंकि आप लोगों ने अभी चाय पीने का चैलेंज नहीं देखा है, इसमें जलने का भी बहुत खतरा है इसलिए लेकिन भैया को कोई खतरा नहीं क्योंकि ये कई बार पी चुके हैं, खतरा मुझे है। तो चलिए
हम लोग पीना शुरू करते हैं। गरम ये बढ़िया पिए जा रहे हैं। थोड़ा रुक के पी, चाय बनी बहुत अच्छी, चाय का थोड़ा टेस्ट लिया जाता, चुस्की लेता आप इकट्ठा है, मतलब ये चैलेंज के लिए और तेज पी रहा है। अदरक उदरक सही है, बहुत अच्छी चाय है। मैं पता है मैं इनको जानबूझ के बात करवा रही हूँ ताकि ये लेट ना पिए, क्योंकि कभी स्कूल कॉलेज के टाइम पे देखा है अगर खुद फर्स्ट आना हो तो दूसरे को मत पढ़ने दो, एक तरीका ये भी होता है, तो अगर किसी को जीतना है तो दूसरे को काम ना करने दो, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत गर्म है, मैं ज्यादा रिस्क लूंगी तो जल भी सकती हूँ। ये आपकी खत्म हो गई क्या? थोड़ा नमकीन भी ले लीजिए। ये नमकीन नहीं खा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। आद्या चाचू को बोल दो, चाचू नमकीन खा लो थोड़ा सा। आद्या के साथ कभी खाएंगे। आद्या भी चाचा बुला रही है, अब ये थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है कभी और मेरी चाय। अरे भैया ये देखिए, ये मतलब ये देखिए मेरी अभी इतनी बची हुई है, मैंने ना गलत आदमी से आज पंगा ले लिया। मतलब मम्मी बोल रही थी कि वो बहुत तेज पीते हैं, मत करो तुम हार जाओगी, लेकिन मैं कह रहा अपनी जीत पे आ गए। तो चलिए हम लोग का चैलेंज हो गया है और अब भैया निकलने भी वाले हैं, तो अभी थोड़ी देर में आगे आपसे बात करती हूँ। और भैया जा चुके हैं और मैं ना आद्या को लेकर के छत पे आ गई हूँ, तो थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और फ्रेश एयर भी मिल जाती है, वरना पूरे टाइम ना एसी की हवा में रह के ना, मतलब यू नो फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, तो वो भी मिल जाएगी और आद्या भी थोड़ा सा छत पे खेल लेगी। तो भैया अभी चले गए हैं और बहुत मज़ा आया उनके साथ आज चैलेंज करके, और मैं ना सोच रही थी कि देवरानी, मतलब मेरी देवरानी उनकी वाइफ, वो देखेगी वीडियो ना तो बहुत हंसने वाली है। और मम्मी बोल रही थी कि तुम चैलेंज मत करो, ये चाय बहुत तेज पीता है, मतलब हार जाओगी तुम। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा ऐसे कैसे मैं हार जाऊंगी, मैं भी बहुत तेज पीती हूँ गर्म चाय। तो मैंने उनकी एक नहीं सुनी और मैंने उनसे चैलेंज कर लिया और मुझे उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ा, मैं एकदम फंस गई। तो बिक्कू भैया ने तो मतलब चाय ऐसे पी जैसे चाय नहीं पी रहे हो, शरबत पी रहे हो। और तो मुझे यकीन नहीं था कि वो शरबत की तरह पी जाएंगे, और उनको उनका चाय पीना देख करके ना मुझे अपने बाबा जी की याद आ रही थी कि बाबा हमारे बस हम चाय मैं दे के आती हूँ और वो फटाफट से पी डालते हैं। तो मैंने एक अपने बाबा को देखा था और दूसरा भैया को देखा, और दीदी ना एकदम ठंडी चाय पीती है मेरी नंद, और मैं तो गर्म पीती हूँ, तो इसलिए मैंने चैलेंज लिया उनसे, लेकिन बिल्कुल मुझे महंगा पड़ गया, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तो मतलब उसको यकीन, मतलब बहुत हंसेगी, तो मैं भी यही सोच रही थी कि मेरी देवरानी ये वीडियो देखेगी ना तो बहुत हंसने वाली है, पर कोई नहीं, बहुत मज़ा आया आज भैया के साथ चैलेंज करके। तो आप लोगों को अगर मेरा और मेरे देवर जी का ये चैलेंज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक। दादी के साथ, और ये ना रिमोट ले लेती है और फोन समझ करके ना बात करती है, हेलो बोलो, तो ये रिमोट को अपने ईयर के पास लगाती है और हेलो करती है। और यहाँ पे मैं अक्षत का होमवर्क करवा रही हूँ, क्योंकि इनका काफी होमवर्क मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं और नानी के घर पे थे तो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन इनका होमवर्क पूरा नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मैं उसको करवा रही हूँ यहाँ पर। ये अभी मैं अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।